हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट एमबी इफेक्ट न्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के दरमियान में जो हुआ तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच था। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, उससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचेंगी। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड पर। इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई तो जेसन रॉय और जोनी बेस्टो जो हैं वो कुछ खास नहीं कर पाए और जल्द ही पवेलियन को लौट गए, और थोड़ी देर बाद जेम्स वेन भी पवेलियन को लौट गए। मगर कैप्टन एन मॉर्गन और बेंटन जो है उन्होंने बारी को संभाला और बहुत ही शानदार जो है वो सेंचुरी की कैप्टन मॉर्गन ने और हाफ सेंचुरी की बेंटन ने। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने मैच को चलाया और बहुत ही इंटरटेनिंग उनकी परफॉर्मेंस रही। कैप्टन मॉर्गन ने 84 गेंदों पर 106 रन बनाए, 15 चौके और 4 छक्कों की मदद से, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और उनके साथ देते हुए बेंटन ने 58 रन किए 51 बॉल पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से। उसके बाद विकटें गिरती रहीं, मगर थोड़ी ही देर बाद डेविड विलियन ने भी 51 रन किए 42 बॉल पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बहुत ही उम्दा बैटिंग की। जैसे कि उन्होंने बॉलिंग भी सीरीज़ में अच्छी की, उसके साथ साथ उन्होंने बैटिंग भी बहुत ही अच्छी की। थोड़ा उनका साथ दिया टॉम करन ने, मगर वो भी कुछ 38 रन पर पवेलियन को चले गए। खैर, करते कराते इंग्लैंड ने अपना जो है वो 328 रन किए और ऑल आउट हो गए। मगर जैसे ही बारिश शुरू हुई आयरलैंड की, तो आयरलैंड ने दिखा दिया कि हम मैच जो है वो जीतने के लिए आए हैं। बहुत ही शानदार बैटिंग की उनके ओपनिंग बैट्समैन पॉल स्टर्लिंग ने, बहुत ही शानदार बैटिंग की। 142 रन की 128 बॉलों पर 9 चौकों और 6 छक्कों की मदद से, और बहुत ही शानदार 110 का स्ट्राइक रेट रखा उन्होंने, का साथ दिया कैप्टन ने। हालांकि उनके साथ आने वाले ओपनिंग बैट्समैन जल्दी ही पवेलियन को लौट गए थे, मगर उनका जो आयरलैंड के कैप्टन थे उन्होंने उनका साथ दिया तो बहुत ही बढ़िया। उन्होंने भी 113 रन की 112 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से, और इन दोनों की पार्टनरशिप ने जो है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, और जो है वो और आयरलैंड को जो है वो जीत की तरफ लेके जाते गए। और आखिर में जब ये दोनों प्लेयर्स आउट हुए तो उसके बाद उन्होंने कैरन ओब्रायन और टीचर जो है वो उन्होंने बारी को अच्छा संभाला। 29 रन किए टीचर ने और 21 किए 15 गेंदों पर कैरन ओब्रायन ने, जिसकी वजह से इंग्लैंड को वर्ल्ड चैम्पियन टीम को उनके घर पर ही मात दी आयरलैंड ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी, बहुत ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही जितनी तारीफ की जाए आयरलैंड की वो कम है। अब तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचेंगी। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।